खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कल देश का बजट आने वाला है, मोदी सरकार पार्ट टू का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा तो लोगों को उम्मीद भी ज्यादा है। तो सवाल यही है कि इस बार का बजट किस सेक्टर पर आधारित होगा? क्या महंगाई बेरोजगारी के आलम के बीच टैक्स में बढ़ोतरी होगी या फिर राहत मिलेगी? क्या गरीबों की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी चीजों को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं इस बार का बजट राहत का बजट होगा, तो क्या जो कड़वी घुट्टी पिलाने की शुरुआत 2014 में की गई वो अब खत्म हो चुकी है? और क्या देश की सेहत दुरुस्त है और अब जनता की जेब की सेहत को दुरुस्त करने वाला बजट आएगा? सवाल गंभीर है क्योंकि तेल, गैस, सब्जी, फल, आटा सब आसमान छू रहे हैं और लोगों की इनकम और रोजगार लगभग जमीन पर रेंग रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर जितनी उम्मीद थी उतनी तेजी से बढ़ा नहीं और आदर्श गांव, स्मार्ट शहर, हर घर जल और उज्ज्वला का उजाला फिर से चूल्हे के धुएं में खोता दिखाई दिया। लेकिन बजट उम्मीदों वाला होगा, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। और क्या 2023 के बजट में 2024 की छाप नजर आएगी? क्या सच में ये बजट होगा ब्रह्मास्त्र? आज बात इसी मुद्दे। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। तो सब मुद्दे हम उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो चीजें चल रही है ठीक नहीं। सबके बीच में सवाल ये भी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बजट लेकर आए थे तो बजट था लगभग 5,75,000 करोड़ के आसपास का, और 2022 से इसका जो बजट पेश किया गया वो लगभग रहा 39.44 लाख करोड़ का बजट। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 700% या 7 गुना के आसपास की बढ़ोतरी बीते 8 सालों के अंदर है। तो सवाल यह है कि वाकई में देश इतनी तेजी से ग्रो कर चुका है या फिर राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा है और उसका खामियाजा भी देश भुगत रहा है। सवाल इन सब के बीच में ये भी है कि जो कल बजट आने वाला है क्या उसके जरिए राजकोषीय घाटे को खत्म करते हुए, कम करते हुए देश की विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ा दिया जाएगा? हालांकि जो आंकड़े आए, आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई वो बताती है कि देश लगभग 6.1 से 6.5 की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा और ये वाकई में वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर नजर आती है। तो क्या वाकई में कल का बजट आम आदमी की जेब में 2 पैसे को बचा देगा, व्यापारी को 2 पैसे कमाने का मौका दे देगा और घर के अंदर जो महिलाएं हैं, जो उद्यमी महिलाएं हैं, जो एमएसएमई सेक्टर हैं, जो पनपते हुए रोजगार हैं, क्या उनको बूस्टर डोज दे पाए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एनडी माथुर जी, अर्थशास्त्री हैं, मित्र जामिनी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीजेपी नेता सुनील भार्गव जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुनील भार्गव जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे सर, क्योंकि कड़वी घुट्टी पिलानी 2014 में शुरू की थी, मानकर चलें कि वो घुट्टी अब खत्म हो गई है, देश की सेहत में सुधार है, देश दुरुस्त है और इस बार का बजट सौगातों वाला होगा, राहत वाला होगा, उम्मीदों वाला होगा। देखिए, निश्चित रूप से बजट उम्मीदों का होता है और उम्मीदें पूरी होंगी, क्योंकि अगर हम देश की आज की स्थिति देखें तो इन्फ्लेशन 6% पे कंटेन्ड हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स तो 5% पर ही चल रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स 21% की रेट से बढ़ रहे हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो 5,82,000 करोड़ पर पहुंच गया है, जीडीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर हम दुनिया की दृष्टि से देखें तो जहां यूएसए में 1.6% है, यूरोपियन यूनियन में 3.1% है, यूके में 3.6% है, चाइना में 3.7% है, वहां हिंदुस्तान में
6.8% है जी। और अगर इस रेट से ग्रो किया तो अभी देवोस में जो सम्मेलन हुआ था उसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग ने ये फोरकास्ट किया कि जब 100 वर्ष हमारे स्वाधीनता के पूरे होंगे, हमारी आज़ादी के पूरे होंगे, तो हमारी इकोनॉमी $26 ट्रिलियन की होगी जी। आज $3.7 ट्रिलियन की है। और अगर इस रेट से हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो बजट के जो परिपेक्ष में देखना चाहिए जी, वो कितना आया गया ये तो एक महत्वपूर्ण बात है ही, लेकिन वो किस दिशा में है और किस गति से बढ़ रहा है। सर बजट तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारी खुशहाली का बजट वाकई में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप तो खुद सीए भी हैं सर, मुझे बताइए देश की ग्रोथ किस रेट से हुई है और 5.75 लाख करोड़ से अगर बजट बढ़कर 8 साल में लगभग 40 लाख करोड़ हो जाता है तो ये कितने परसेंट के हिसाब से ग्रो किया और ये कैसे करते हैं? देखिए हिंदुस्तान बहुत सोच समझ कर एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, यानी केवल एक वर्ष की ग्रोथ नहीं जी, दो वर्ष की ग्रोथ नहीं, तो कम से कम एक डिकेड की ग्रोथ शुरू में 6.5-7% पर हो और उसके बाद में वो 8-10%। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि अगर देश 2014 में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कमा रहा था, मैं कमाई कह रहा हूं क्योंकि उतने का बजट, हालांकि उतना आता नहीं है पैसा जितने का बजट दिया जाता है, और बीता 40 लाख करोड़ का है, तो क्या वाकई में देश में इतना पैसा कमाया गया है? देखिए आप जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1 महीने का 1 लाख करोड़ के लगभग हो गया है जी, 11.93 करोड़ पूरे साल का। हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 8.72 करोड़ हो गया जी, यानी इसका मतलब क्या है कि आय मल्टीप्लाई हो रही है। आज हमारे 6 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर्स हुए हैं। ये दोनों भी मिला लिए तो 9 लाख करोड़ ही हुए हैं अभी भी। ऐसा है 9 नहीं हुए, आपकी जोड़ गलती है, 12 और 9 21 होते हैं, 21 मान लेते हैं ना, ठीक है। तो अगर ये आय है सीधे सीधे तो आप ये मानिए कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हम डेट भी ले रहे हैं जी, और डेट अगर आज हम देखें पूरी दुनिया के डेट देखें तो हिंदुस्तान के जीडीपी का केवल 2% फॉरेन डेट है जी, केवल 2%, ठीक है, जबकि यूएसए का 21% से ज्यादा है। तो आज हम ग्लोबल डेट को बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं जी। और ठीक है सर, एक बार सभी को इन्वॉल्व कर लेता हूं क्योंकि ये जो भाषा है ना, कल निर्मला जी भी इसी भाषा में बोलेंगे, पब्लिक को समझ ही नहीं आनी है। पब्लिक तो ये पूछ रहा है कि उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर कहां रहा, पब्लिक तो ये पूछ रही है कि आदर्श ग्राम कहां गया, स्मार्ट सिटी कहां रही, ये सब पब्लिक पूछ रही है सर कि मेरी जेब में पैसे बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं। सुनील जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है, क्योंकि अभी तक बजट के बारे में ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि जो पुरानी घोषणाएं हैं हम उनको पूरा करेंगे, हम कोई नई बजट की घोषणा नहीं करेंगे, ठीक है एक हद तक काफी ठीक है कि जो पुरानी घोषणा उनको पूरा करते हैं, आपको लगता है कल एक ऐसा बजट आएगा जिसमें 2024 का विजन नजर आएगा, क्योंकि उसके बाद अगला बजट जो होगा वो पूर्णकालिक बजट नहीं होगा, तो जो बीजेपी करेगी वो सब इसमें करेगी? देखिए विजेंद्र, आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, जो पहले पहली बात हुई समझनी पड़ेगी कि दावे भले कितने ही किए जाए, आंकड़ों की आप जादूगरी कितनी कर लें, आज भी अगर HDI की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो हिंदुस्तान की स्थिति 132 दर्जे के ऊपर है, जो मेरी राय में दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी आप बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। अब अगर आप जिनी इंडेक्स जिनी कोएफिशिएंट की बात करें, क्योंकि बात एक है, ग्रोथ वो सारी ग्रोथ बेमानी है जब तक कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं, गरीब की थाली के अंदर पैसा नहीं हो। अब बात अगर आप जिनी कोएफिशिएंट की बात करें, सन 2011 के और अभी के आप कोएफिशिएंट, अब दोनों जिनी कोएफिशिएंसी की बात करते हैं, आप एक बार के लिए तब 35 था 2011 के अंदर, आज 47 है। मोर अगर जिनी कोएफिशिएंट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है इनइक्विलिटी बढ़ रही है। केवल 1% जो बिलियनियर्स हैं उनके 1% लोगों के पास हिंदुस्तान की 42% जो संपत्ति है वो चले गई, यानी गरीब गरीब हो रहा है 2014 के बाद से, और जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है, आप लगातार देख रहे हैं। तो बात है गरीब की जो थाली है उसको अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, और रही बात अगर आप ग्रोथ की बात करें, तो आप ग्रोथ अगर आपको देखनी है, क्योंकि हिंदुस्तान के अगर ग्रोथ का स्वर्ण काल अगर था तो वो स्वर्णिम काल था 2004 से लेकर 2011 के बीच के अंदर, जब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसने ग्रो किया है 8-9% की दर से। आज की तारीख के अंदर आप बात करें तो अब क्या हो रहा है, अब आप कोविड के वाले ड्यूरेशन की बात ही देखें, बिलेनियर्स की जो संपत्ति है वो 35% बढ़ी है, जब हिंदुस्तान की जो खुद इकोनॉमी 10% श्रिंक हो गई है। तो अब यहां केवल एक बात हो रही है भाजपा के शासन में कि कुछ उद्योगपति
कुछ उद्योगपति घराने में नाम नहीं लेना चाहूंगा, सारे देश को पता उनके नाम, उनके हितों के अंदर काम हो रहा है। और अब तो पूरा वर्ल्ड हिंडनबर्ग के जो आंकड़े वो भी कह रहे हैं कि केवल कुछ लोगों को अमीर करने में सरकार लगी हुई है। कुछ राहत मिलेगी कांग्रेस की नजर से, कुछ दिख रहा है कि जनता के लिए कुछ होगा? मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि जब सरकार का पूरा फोकस केवल कुछ बिलियनियर्स को केवल और पैसे वाला बनाने का हो, आप ये सोचिए 1% लोगों के पास हिंदुस्तान की 42% ग्रोथ अगर वेल्थ चली गई है, और जिनी कोएफिशिएंट का 35 से बढ़कर 47 हो गया है इसके लिए इतने से ड्यूरेशन के अंदर, ये अपने आप को इंडिकेट कर रही है कि ये जो सरकार है केवल और केवल कुछ उद्योगपति घरानों के लिए काम कर रही है, गरीब के लिए काम नहीं कर रही। क्योंकि सियासी चश्मा अलग होता है सर, अर्थशास्त्री का चश्मा बहुत अलग होता है। आप सर ये बताइए कि कल के बजट में जनता क्या क्या उम्मीद करे, क्या टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी हो सकती है, क्या जो महंगाई बढ़ी है तेजी से वहां कोई राहत मिल सकती है? क्योंकि बीते कुछ दिनों में ऐसा भी हुआ कि जो गरीब आदमी की मूलभूत सुविधाओं की चीजें हैं उन पर भी टैक्स लगाया गया, क्या वहां से वापस हो सकते हैं? देखिए, ना उम्मीदगी बढ़ गई है इस कदर कि आरजू की आरजू होने लगी। इस समय जो मूलभूत समस्याएं देश की हैं, आम आदमी की हैं, उनमें महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है जी, चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। गिनी कोफिशेंट की बात अभी की गई यहाँ पर, और 1% लोगों के पास 40% हिस्सा है। ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी हैज फेल्ड। हम सोचते थे कि ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है, लेकिन उस बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था का फायदा, उस बढ़ी हुई रेवेन्यू का फायदा किसको मिला है, किसकी जेब में गया है? वेदर क्लासेस और द मासेस। इफ इट गोज टू द मासेस, इट गोज टू द कॉमन मैन, then it is development, but if it goes to the classes, not to the common man, then it is development without, it is growth without development. So ये jobless growth हो रही है, या ये ऐसी growth हो रही है, बात करें हम जैसे आम आदमी को फायदा जैसे किसानों के लिए सम्मान निधि, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, रोड पर काम, रेलवे पर काम, ये तो कॉमन मैन की चीज है ना, बट दैट मस्ट कंटिन्यू, इट मस्ट। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में ये सब काम कंटिन्यू होते रहेंगे और इसका फायदा मिलेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन होगा जी, और हम इसको 6% से घटाकर 5.8%। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई अच्छा होगा, बजट रहेगा, बहुत एक कुछ चीज पर और काम होना चाहिए कि हमारा टैक्स बेस बढ़ना चाहिए और टैक्स रेट और 30% से भी घटकर 25% हो जानी चाहिए, बल्कि तो टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, बेस बढ़ना चाहिए, मतलब टैक्स बेस बढ़ना चाहिए, मतलब टैक्स पेयर्स बहुत कम है, टैक्स पेयर बढ़ने चाहिए, टैक्स की रेट तो कम होनी चाहिए, तभी हमारा रेवेन्यू ज्यादा बढ़ पाएगा। तो लेकिन अगर एक तरफ हम सर टैक्स स्लैब बढ़ाने की बात करें और दूसरी तरफ हम कहें कि टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन ही है। टैक्स पेयर बढ़ाए जा सकते हैं, टैक्स स्लैब ज्यादा करें हम, टैक्स स्लैब जो भी 3 ही है जी, 5% है, 20% है, 30% है, उनमें हम 5-6-3 की जगह 6 टैक्स स्लैब और 7 स्लैब्स बना दें, जिससे टैक्स बेस जो है वो आधार, कर का आधार बढ़ाया जा सके और टैक्स पेयर्स ज़्यादा हों, तो उससे रेवेन्यू बढ़ेगी देश की और फायदा होगा। अभी इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी पे तो भार पड़ेगा सर, फिर राहत कहाँ मिलेगी? नहीं, आम आदमी पर भार नहीं पड़ेगा, जो जो टैक्स के दायरे में ऐसे लोगों को लाया जाए जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो उससे भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो टैक्स दे ही नहीं, एग्जम्पशंस खत्म किए जाए, बिल्कुल एग्जम्पशंस की जरूरत ही नहीं है, सेम इनकम सेम टैक्स होना चाहिए, एग्जम्पशंस से जो बचकर निकल रहे हैं उन एग्जम्पशंस को खत्म कर दिया जाना चाहिए। मिथिलेश जैमिनी जी, आपको लग रहा है पॉलिटिकली ये बजट रहेगा और इसमें वो सब चीजें नजर आएंगी, खासकर वो चुनावी राज्य भी इसमें नजर आ सकते हैं जिनमें इस साल चुनाव है, लगभग 9 राज्य हैं, क्या राजस्थान के लिए कुछ खास हो सकता है इस बजट में? देखिए, राजस्थान के लिए कुछ खास हो सकता है ये तो उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बजट में कि जो भी जीडीपी है 6% जो बता रहे हैं, उसमें दो लोगों का योगदान है, एग्रीकल्चर का और सर्विस सेक्टर का। एग्रीकल्चर वालों को क्या दे रहे हैं? 6,000 रुपए और PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और ECGSEL जो MSME के लिए, उसमें 2,00,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसमें 5,00,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और जो किसान इस देश की इकोनॉमी को संभाल के बैठा है उसकी आज फसल चौपट हो गई, उसके लिए कोई रिवॉल्विंग फंड नहीं है। आप 2022 में दुगनी आय करने की बातें कर रहे हैं, उसमें क्या हालात है किसानों की? तो सबसे अहम मुद्दा है कि इस बजट में किसानों के लिए जो 6,000 रुपए देते हैं साल के, इसको कम से कम 72,000 रुपए कीजिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय योजना में। किसान ही इस राजस्थान की और देश की इकोनॉमी को संभाले हुए है। दूसरा सर्विस सेक्टर, सर राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं, देखिए सर्विस पर नहीं जाऊंगा, उस पर मत जाइए, लेकिन पक्ष में लेकिन होते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, 6,000 रुपए नहीं कहते हैं वो। इस महंगाई में 6,000 रुपए किसान के खाते में पर्याप्त? आप व्यापारियों कितना दे रहे हैं? 5,00,000 करोड़ का बजट एमएसएमई के लिए, 2,00,000 करोड़ का बजट आपका उसके लिए जो लघु उद्योग है उनके लिए, आप इन किसानों को क्यों नहीं देते, उनको क्यों नहीं मिलता पैसा?
जबकि पूरे देश की इकोनॉमी तो जरूरत क्या है सर, जरूरत यह है कि उनको कैश फ्लो ज्यादा दिया जाए या उनकी अगर उनको पैसा देंगे तो बाजार में आएगा पैसा, पैसा बाजार में आएगा। तो बहुत सी योजनाएं हैं ना सर जिसके जरिए सारी स्कीमों में माफिया पैदा हो गए। ऐसे सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, स्कूल और यूनिवर्सिटियों में राजस्थान अव्वल है, उनमें जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनका कितना शोषण हो रहा है, जितनी एजेंसियां कितना शोषण कर रही है, कोई नियम बनाते हैं? हालात ये कि प्राइवेट सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है उसमें सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे ज्यादा माफिया है। कल का बजट किस सेक्टर पर फोकस? देखिए सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर पर। अगर एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैन्युफैक्चरिंग पर आपने ध्यान दे लिया ना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दिया क्या? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दिया क्या आपने? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है क्या? इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दिया। आप 6000 रुपए दे रहे हैं साल के, एक गरीब किसान 6000 रुपए में क्या करेगा? मैं आपको उसकी फसल चौपट हो गई। आप व्यापारी को कितना पैसा दे रहे हैं? अंबानी जी ने, सुनील भार्गव जी ने अंबुजा सीमेंट खरीद ली, सुनील भार्गव जी झूठे आंकड़े दिखा के, सुनील भार्गव जी और बैंकों को हालत खराब कर दी। सुनील भार्गव जी 2014 में ही कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ये कहा था ना सर? जी हाँ, कहा था। हम लोग बताइए ना, कोई एक गांव, कोई एक गांव, कोई एक शहर, कोई एक प्रदेश तो बताइए जहां किसानों की आय दोगुनी हो गई। उस समय आपको पता था क्या कि ग्लोबल रिसेशन होगा? आपको पता था क्या कि कोविड आएगा? आपको पता था क्या यूक्रेन रशिया युद्ध होगा? लोगों ने खाना छोड़ दिया। क्या हिंदुस्तान का या दुनिया का कोई व्यक्ति ये बता सकता है? किसान ना तो कार बनाता है, सुनिए, ना किसान हवाई जहाज बनाता है, वो अन्न पैदा करता है सर, और अन्न कोविड काल में भी खाया गया और ज्यादा खाया गया है। बोलिए सर, एक्सपोर्ट किया गया है। अगर हम ये कहते हैं कि उस समय ये पता था क्या यूक्रेन वार होगी, अगर हम ये कहते हैं कि जो है पेंडेमिक आएगा, तो इन अदानी की इनकम या रिच लोगों की इनकम कैसे बढ़ गई? सर यूक्रेन आपदा में अवसर था देश के लिए, आप तो क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट ग्रेन सप्लायर इंडिया है कोठारी जी। जब यूक्रेन और रूस फंसे तो सबसे बड़े सप्लायर हम थे, वो तो अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए सर। बोलिए भार्गव जी, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि यदि इस सब के अंदर मनरेगा बढ़ता है तो रोजगार पैदा करने के प्रयास किए गए हैं, और इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखें तो मनरेगा की स्पेंडिंग जी 75,000 करोड़ से 1,08,000 करोड़ बढ़ रही है। ऐसे ही अगर आपने पढ़ा हो तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत क्लियरली कहता है कि आने वाला साल ये जो समय है सर, राहत किसको मिलेगी सर? क्योंकि जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं सदन के पटल पर बोला गया था कि रेनकोट बढ़ाने जैसी योजना है, पूरा बजट रूरल डेवलपमेंट को डेडिकेटेड होने वाला है, ये इकोनॉमिक सर्वे का इंडिकेशन। कल का बजट रूरल डेवलपमेंट पर आधारित रहे। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि रूरल हेल्थ, रूरल एजुकेशन जी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पावर, फर्टिलाइजर, लॉजिस्टिक्स, ये सब आने वाले हैं, और इस सब में जितना बड़ा रोजगार होगा सर, मैं पूछ रहा हूं दाल, तेल, गैस को जाने वाला ये सस्ती होंगी। और एक बात मैं और बता दूं, ये 6000 जो है ये कोई किसान को दिया नहीं जा रहा है, ये उसको, ये जो पेंडेमिक आया था जी उस समय कोई भूखा ना रहे जी, केवल ये सहायता थी किसान के वेलफेयर के लिए। इतनी सर, उसके लिए तो 80 करोड़ लोगों को आप अलग से अनाज दे रहे थे। हाँ, उनमें हाँ, किसान तो, भी आते ही होंगे। वो किसान ही है, ज्यादातर किसान ही है, क्योंकि रूरल सर मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सच सच एक लाइन में बताइए, उज्ज्वला आपने शुरू की थी, उज्ज्वला पे सब्सिडी को रोके कितने साल हो गए हैं? गरीब आदमी को कितना साल हो गए हैं कि सब्सिडी नहीं दी गई है? नहीं, आप क्या समझते हैं कि सब्सिडी देने से गरीबी दूर हो जाती है? तो क्या 1100 रुपए का सिलेंडर गरीब आदमी खरीद सकता है? ये केवल केवल एक तात्कालिक राहत होती सर, है सर, तात्कालिक राहत सालों साल नहीं चलती है। हर मानवीय सरकार तात्कालिक राहत देने को तत्पर है। सुनील शर्मा जी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं सर जो एक अलग सपने की तरह है, और वो सपने पूरे करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं फिर भी आश्वस्त हूं कि कल के बजट में कुछ ऐसा हो कि जो गरीब आदमी लड़खड़ा रहा है उसको एक संबल मिले। उस हिसाब से सर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या मिलेगा? विजेंद्र, देखो बात आपको समझनी पड़ेगी, जिस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर ये बात कहता हो कि मनरेगा जो है, जो गरीबों की रोजगार गारंटी योजना है, वो असफलता का स्मारक है। जब आपका आपका हिसाब का नजरिया दिखता है कि अगर गरीबों की अगर थाली में अगर खाना अगर पहुंचाया जा रहा है तो उसको जब आप मान ही नहीं रहे हैं, तो देखिए अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई भी ग्रोथ तब तक बेमानी है जब तक कोई इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो जाए। ग्रोथ की बात अब पूरे वर्ल्ड के अंदर सब
अलग है, इनसिग्निफिकेंट है, और गरीब इनके स्कैनर के ऊपर नहीं है। और रही बात एक्सपोर्ट्स की, इनकी बात तो अभी भी केवल 2.1% मेरी बात सुनिए, दुनिया के एक्सपोर्ट में आपका जो एक्सपोर्ट है वो केवल 2% है, केवल 2% दुनिया की जीडीपी के अंदर आपका जो जीडीपी है वो 3.5% जीडीपी है आपकी पूरे वर्ल्ड की, जबकि पॉपुलेशन आपके 18.5 है, 18.5% पॉपुलेशन दुनिया की, अगर केवल 3.5% जीडीपी पैदा करी और उसके भी हम गाल बजा रहे हैं तो ये अपने आप के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 8 साल के शासन का परिणाम है कि 70 साल के शासन का परिणाम है। आप सर मेरे पास वक्त की कमी है। शर्मा जी आपने 2% को 6% मिला दिया ग्रोथ रेट, आपने उससे डबल हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त हमारे पड़ोसी देश सारे लड़खड़ा गए, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, चीन हो या फिर यूरोपीय कंट्रीज हो, जब वो लड़खड़ा गए उस दौरान भी हिंदुस्तान आगे चला है। हालांकि सच्चाई है कि गरीबों को दिक्कत हुई, लेकिन उतना नहीं डगमगाया कि भुखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। ये तो सफलता है। एक 90% लोग 50% जीडीपी दे रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। डेट जीडीपी रेशियो आज 84% हो गया है जी। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 16.4% ओनली। They are only contributing 16.4% पड़ेगा ना, तो आप फिगर्स को आप ये चाहते हैं कि पूरे देश को सस्ता अनाज मिले और किसान को सब्सिडी मिले। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कल बजट में मोदी जी अगर वास्तव में इस देश का भला करना चाहते हैं, जो माफियाइज्म पैदा हो गया, मनरेगा में माफिया पैदा हो गया, अभी हमने सोशल ऑडिट में देखा, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है नौजवानों को, अगर वो किसान और नौजवान का सम्मान करना चाहते हैं तो इस बजट में ऐसा प्रावधान करें कि इनके ऊपर कठोर नियम बने, जब जाके उनका भला होगा। मनरेगा में हालत क्या है, आपने अभी रमेश मीणा जी ने सोशल ऑडिट कराई, सरपंच सड़कों पर आ गए सोशल ऑडिट कराई, तो जो करप्शन और माफिया पैदा हो गया उसको रोकने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में शोषण हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंडी माथुर जी, शुक्रिया मिथिलेश जामिनी जी, शुक्रिया सुनील शर्मा जी और सुनील भार्गव जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कल का बजट हम उम्मीद करें कि उम्मीदों से भरा होगा और जो बीते कुछ सालों में हम लड़खड़ाए हैं वहां एक बूस्टर डोज के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा। सुबह 7 बजे से फर्स्ट इंडिया पर मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आम आदमी के बजट को आम आदमी की भाषा में समझाने का हम काम करेंगे। सुबह से देखिए बजट ब्रह्मास्त्र। नमस्कार।